ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है कुछ दी ए जे जैक्सटर और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको स्टोरी लाइन ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। और जैसे कि ये गेम रिलीज हुई है 2009 में और उस समय के हिसाब से इसके ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के थे और इस गेम में कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने बहुत चेंजेस करे और कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज के सबसे ज्यादा हिट गेम भी बनी। और 11 साल के बाद मींस इन 2020 इसका रिमास्टर्ड वर्जन भी लॉन्च हुआ और उसका भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। और 2020 वाली गेम ने तो ग्राफिक्स का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है और इस गेम में मैं इसका रिमास्टर्ड वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट क्या करें, मुझे उसकी क्लिप बनाने में बहुत टाइम लगता और साथ ही साथ वो क्लिप स्मूथ भी होनी चाहिए क्योंकि इसके ग्राफिक्स बहुत ही ऑसम है एंड हाई लेवल प्रोसेसर मांगते हैं। और अगर आपने इस गेम को अभी तक नहीं खेला तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि सबसे पहले इस गेम को खेले, फिर आप इस वीडियो में आए। और अगर आपने इसको खेल रखी है बट यू स्टिल लर्न स्टोरी रिकैप, सो यू आर इन अ करेक्ट वीडियो। हियर इज योर स्पॉइलर वार्निंग। तो इमरान सखेफ के मरने के बाद उसे रशिया में शहीद घोषित कर दिया जाता है और रशिया में उसका बहुत बड़ा स्टैच्यू भी बनाया जाता है। और यूएस और यूके की बहुत कोशिशों के बाद तभी भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी रशिया में टिकी रहती है। रशिया यूएस के रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं और तभी एक नया चेहरा सबके सामने आता है जो अब अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर है और साथ ही साथ इमरान सखेफ का राइट हैंड भी था, उसका नाम व्लादिमीर मैक्रोव। और अब गेम की टाइमलाइन है ये 2016। जनरल शेपर्ड ट्रेविट जोसेफ एलन की काबिलियत को देखकर उसे टास्क फोर्स 141 में रिक्रूट कर देता है और अब सोप कैप्टन रैंक पे प्रमोटेड है और उसके साथ गैरी जो सेंडरसन भी है और दोनों एक मिशन पे होते हैं। उन्हें कजाकिस्तान के एक एयर बेस से ACS मॉड्यूल चुरा कर लाना है और सिर्फ दो लोग पूरे बेस को इन्फिल्ट्रेट करके पूरा मॉड्यूल चुरा कर ले आते हैं। तो शेपर्ड ने जोसेफ एलन की काबिलियत को देखकर उसे प्रमोट कर दिया है और उसे एक मिशन में भेजा है जिसमें उसे व्लादिमीर मैक्रोव का साथी बनना रहता है। और यहाँ मैक्रोव बहुत बड़ा टेररिस्ट है जो किसी भी कंट्री के साथ नहीं है और यहाँ पे मैक्रोव रशियन एयरपोर्ट पे एक मास शूटिंग करता है जिसमें एलन को भी उसका साथ देना पड़ता है। और यहाँ से निकलने के पहले वो जोसेफ एलन को गोली से उड़ा देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये कौन है। और जब रशियन फोर्स यहाँ आकर देखती है कि ये एक यूएस का सोल्जर है तो उन्हें लगता है कि ये अटैक यूएस ने वालों ने कराया है, वो यूएस को अपना एनिमी मानने लग जाती है। और इसी बात का बदला लेने के लिए रशिया यूएस का ACS मॉड्यूल हैक कर लेती है और यूएस के ईस्ट कोस्ट पे हमला कर देती है और इसी के साथ रशिया और यूएस के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है। और इसके बाद जनरल शेपर्ड पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अटैक यूएस वालों ने नहीं, मैक्रोव ने ही कराया है। और शेपर्ड को उसी का एक साथी एलेजेंड्रो रॉजर्स जो ये बताता है कि मैक्रोव को मारने वाला बंदा प्रिजनर 627 है जो अभी गुलाग प्रिजन में कैद है और सबके सब एक प्रॉपर प्लान बना के प्रिजनर 627 को फ्री करने वहां चले जाते हैं। और वो एक रशियन प्रिजन है तो वहां पे रशियन सोल्जर्स भी होंगे एंड यू नो दैट कि यूएस और रशिया के बीच में वॉर चल रही है। और वहां पे सबको मारने के बाद ये पता चलता है कि प्रिजनर 627 जो है वो कैप्टन प्राइस है। और अब कैप्टन प्राइस फ्री होने के बाद मैक्रोव को मारने से पहले रशिया और यूएस के बीच की वॉर खत्म कराना चाहता है और कैप्टन प्राइस टास्क फोर्स 141 के साथ रशियन पोर्ट पे रेड करना चाहता है। और अब यूएस के सोल्जर्स अपने ही कंट्री पे पिन डाउन हो रखे हैं विद नो एमो और वो सब जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहे हैं। प्रेस जैसे तैसे करके शेपर्ड से लड़कर वो रशियन पोर्ट पे रेड करता है और वो जहां पर वॉर चल रही है उस तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। और इस मिसाइल को कैप्टन प्राइस हवा में ही ब्लास्ट कर देता है जिससे वॉशिंगटन DC में बहुत बड़ा EMP ब्लास्ट होता है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। और ये ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये एक न्यूक्लियर मिसाइल थी और इस ब्लास्ट से सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स अपने आप ही चलना बंद हो जाते हैं और इस ब्लास्ट से रशियन आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर्स एंड टैंक्स चलना बंद हो जाते हैं। और क्योंकि ये वॉर यूएस के प्लेटफॉर्म में और इसलिए उन्हें न्यू वेपन्स एंड गन्स मिल सकती थी। और फिर शेपर्ड को लगता है कि रशियन आर्मी सारा DC हत्या चुकी है इसलिए वो व्हाइट हाउस पर बॉम्बिंग अलाउ कर देता है, लेकिन यूएस आर्मी ग्रीन फ्लेयर दिखा के एम मौके पे बॉम्बिंग रोक देती है और बताते हैं कि वॉशिंगटन DC अभी भी यूएसए के हाथ में ही है। इसके बाद टास्क फोर्स 141 को मैक्रोव के दो सेफ हाउस मिलते हैं जिसमें पहले एक एयरबेस है जो अफगानिस्तान में है और दूसरा काउकेसस माउंटेन्स में है। और यहाँ पे टीम जो है दो हिस्सों में बंटती है जिसमें पहले टीम में सर्जेंट गैरी रो सैंडरसन और घोस्ट रायली है एंड दूसरी टीम में कैप्टन प्राइस एंड सोप मैक्टाविश है। एंड यहाँ पे
पे घोस्ट एंड रोज की टीम को बहुत सारे वेव्स झेलने पड़ते हैं मैक्रोव की टीम के, एंड यहाँ पे उन्हें मैक्रोव तो नहीं मिलता बट उन्हें यहाँ पे उसके इंटेल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जब वो उसे डीसी में कलेक्ट करके ला ही रहे होते हैं कि वहाँ पर शेपर्ड आ जाता है और उन दोनों को धोखा देकर उनसे डीसीएम ले लेता है। कैप्टन प्राइस घोस्ट को रेडियो पर वॉर्न भी करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और शेपर्ड वहाँ से डीसीएम हथियाकर वहाँ से भाग जाता है। और अब पता चलता है कि शेपर्ड ने ही जानबूझकर रशिया एंड यूएस के बीच में वॉर कराई क्योंकि वो सबके सामने हीरो बनना चाहता था एंड प्रेजेंट सोप उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते थे, इसलिए उसने उन दोनों को मोस्ट वांटेड ठहरा दिया। एंड प्रेजेंट सोप जब दोनों तरफ से घिर चुके थे क्योंकि एक तरफ शेपर्ड था और दूसरी तरफ मैक्रो, तो प्रेस दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला वाक्य बोल के मैक्रो को अपनी साइड कर लेता है थोड़ी देर के लिए और वो मैक्रो का यूज करके शेपर्ड के बेस का पता लगा लेता है एंड वो निकोलाई की हेल्प लेकर अफगानिस्तान के एयरबेस से निकल जाता है। एंड इसके बाद वो सीधे शेपर्ड के बेस पे जाते हैं और जब शेपर्ड अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ के वहां से भाग ही रहा होता है तब कैप्टन प्राइस उसे अपनी गन से शूट करके उसके हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देते हैं एंड सोप एंड प्राइस दोनों भी वाटरफॉल से नीचे गिर के इंजर्ड हो जाते हैं। फिर सोप शेपर्ड से बहुत जख्मी हालत में लड़ रहा होता है तब शेपर्ड उसी का ही नाइफ उसी के पेट में घुसा देता है। फिर जब वो सोप को मारने वाला ही होता है तब कैप्टन प्राइस आके उससे लड़ता है बट शेपर्ड जख्मी प्राइस पे भारी पड़ता है और उसी समय सोप गुस्से में आकर अपने पेट में घुसा हुआ चाकू निकालकर शेपर्ड की आंख के एकदम बीच में मारता है और इस अटैक से शेपर्ड मर जाता है बट सोप बहुत इंजर्ड होता है और उन दोनों की हेल्प करने के लिए निकला हेलीकॉप्टर में बैठ के आता है और यही पे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 का एंड होता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिकॉज आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन कमेंट सेक्शन। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लीव अ लाइक एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब। और एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस गेम को एक बार फिर से खेलिए क्योंकि ये गेम कभी भी बोर नहीं लगेगी आपको। एंड ऑल्सो आप अपने कमेंट सेक्शन में रिएक्शन बता सकते हैं कि जब घोस्ट एंड रोज को मारा गया था तब आपका रिएक्शन कैसा था। बिकॉज़ आई फील वेरी बैड स्टोरी में उन दोनों को मार दिया गया एंड दैट वाज ऑल्सो एन इमोशनल सीन ऑफ दिस गेम और आप मुझे अपने रिएक्शन बताइए। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सी यू।